पीएचई के डेली वेजर सड़कों के ऊपर, और दूसरी तरफ पुलिस बल तैयार है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैयार हैं, और इन पुलिसकर्मियों को यहाँ भारी मात्रा में इसलिए मौजूद हैं ताकि इस भीड़ को यहीं पर रोक कर रखा जा सके। मेरे साथ पीएचई डेली वेजरों के नेता राजेंद्र सिंह ताज हैं। राजेंद्र जी, क्या जरूरत पड़ी आज आपको सड़क के ऊपर आकर डोगरा चौक में इस पूरी ट्रैफिक को रोकने की? जुनेद साहब, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पे आने का, और ये जो सरकार इस टाइम है ये टकराव ही चाहती है। हम पिछले 7 महीने 20 दिन से पीसफुल मैनर पे चल रही है। ये पहली ऐसी एजिटेशन है जिसने सरकार से पैसा लेना है। ये पहली ऐसी एजिटेशन है कि जो सरकार को ये कहती है हमारा पेंडिंग दे दो, हमारा 20-22 साल का पीएफ दे दो, हम अपने घर जाने को तैयार हैं, आप ये सिस्टम चलाओ, लेकिन ये निकालेंगे नहीं और हमें देंगे कुछ नहीं, मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। अब ये सिलसिला चलेगा नहीं, बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं है। हम लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई इनसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हम कहते हैं हमारा हक है ये। अगर आप लोग यूटी बनने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज को 2017 में उनकी क्या पे थी, आज वो कहाँ है? परमानेंट एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट, और ये जहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ खड़े हो, ये डोगरा चौक में ये देखो पिलरों के ऊपर बड़े बड़े प्लांट लगाए गए, पैराफिट जम्मू शहर के उखाड़ के उन पर नई टाइलें दोबारा लगाई गई हैं, और पैराफिट खराब नहीं थे, उनको JCB से तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर वो ठीक है उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? वो पैसा वहाँ वेस्ट क्यों किया जा रहा है? हमें दे वो पैसा। PM साहब जब आए 24 अप्रैल 2022 को, हमें ये उम्मीद थी कि 20-22 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, शायद इन गरीब डेली वेजरों के लिए भी कुछ देंगे, कि जैसे वो गरीब कंट्रियों को देते हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं, बाकी कंट्रियों को 500 करोड़ 1000 करोड़, हमें भी दे दो, हमारा कसूर क्या है? और जो हमारी पेंडिंग है ये 2015 के बाद की है। BJP के नेता जो बड़े चैंपियन बनते हैं कि जम्मू से भेदभाव खत्म करेंगे, ये भेदभाव का नतीजा है, आज हर एक डिपार्टमेंट सड़कों पर। हमें क्या शौक है? पिछले 7 महीने 20 दिन से घर बार हमें भूल गया। हम प्रोटेस्ट में, हम सिर्फ सरकार से, सरकार का स्टैंड क्लियर चाहते हैं। सरकार से आपकी बात हुई थी, क्या कहा? सरकार के हर अधिकारी कहता नहीं, आपकी मांगे जायज, यू आर द बैकबोन ऑफ दिस डिपार्टमेंट, उसके बाद वी आर यूर एडवोकेट, हम आपकी पिचिंग कर रहे हैं, हम आपका ब्रिज बनेंगे, हम आपके लिए हर चीज संभव चीज करेंगे, आप जायज हो, जेनुइन हो, हम कोशिश कर रहे हैं आपका सिस्टर सेटलमेंट हो। हम भी जानते हैं आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, 9000 में गुजारा नहीं होता, ये जितनी बातें हम बोलते हो उससे ज्यादा वो सुनाते हैं हमें कि इनको पैसिफाई करके इनको ठंडा करके भेजो। लेकिन हमने उनको सीधा कहा था 22 दिसंबर को, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा था, सर हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, आप हम पे सख्त एक्शन कीजिए, सबको निकलवा दीजिए, लेकिन पहले हमारा पेंडिंग 550 करोड़ के करीब जो सरकार के पास है 72 महीने का पेंडिंग, वो दे दीजिए। आप कहते हो कि हम आपके साथ हैं, 3-3 कैबिनेट साहब कमेटियाँ हमारे हक में फैसला करती हैं, 239 अब कैबिनेट ऑर्डर के तहत हम लोग लगे, उसके पहले सरकार ने माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने लोग रेगुलाइज किए ना किए, सर आपने रिपोर्ट चलाई, म्यूनसिपैलिटी के लोग रेगुलाइज हुए, PDD के लोग रेगुलाइज, हमारा कसूर क्या है? हम यही पूछते हैं, हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर यही है कि हम एसेंशियल सर्विस हैं? वो सबसे बड़ी एक हेरा फेरी कह लो, सबसे बड़ा क्राइम क्या है कि हम लोग एसेंशियल सर्विस उसमें काम कर रहे हैं और हमें क्या कहा जा रहा है? क्या ये लेबर डेली वेजर नीड बेस, इसमें नीड कहाँ होगी? पानी की नीड पूरी दुनिया को, और सबसे बड़ी आज की ब्यूरोक्रेसी की टाइम की बात सुनाओ कि 1785 स्कीमें जम्मू प्रोविंस में लॉन्च हुई जल जीवन मिशन की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर घर नल से जल, उसमें मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये दूसरों में ब्लेम करते हैं। वो 1750 स्कीम आज भी हमारा कैजुअल डेली वेजर चला रहा है जिसको ये कह रहे हैं, हम तो उसको परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करने वाला कहते हैं, लेकिन ये दूसरे पे ब्लेम करने वाले, इनसे ये पूछे कोई कि आपने 1750 स्कीम जो लॉन्च की उसके लिए मैन पावर एक स्कीम पे जो उसको ट्यूबवेल का आ जाता 10 मिनिमम आदमी चाहिए, कितने लोग चाहिए? और लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने आदमी की शॉर्टेज है, तो 22,000 जम्मू का और 7,000 कश्मीर का, हम लोग कम से कम 30,000 हैं और 60,000 का काम करते हैं। जैसे आपने कहा आप 60,000 का काम करते हैं, तो मुझे ये बताइए अगर सरकार अभी आपसे बात नहीं करती और ये मामला इसी तरीके से लटका रहता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति कोर कमेटी बैठेगी, हमारी डिस्कॉम साथी भी आए हैं, उसके बाद ही ये बात की जाएगी आगे की रणनीति क्या है, लेकिन ये अब वापसी नहीं है। ये एक ही दिन का धरना है या कल भी आप देंगे? धरना हमारा लगातार कंटिन्यू है, लेकिन प्रोटेस्ट बाहर रोडों पर आज निकले हैं, इसका फैसला यहाँ बैठे रहेंगे जो साथी आए हैं, देवकाम साहब या कोई और अधिकारी,
जब तक ये क्लियर नहीं करता कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपके लिए सरकार क्या कर रही है, क्यों झूठ बोला जाता हमसे, तब तक आप ये रोड बंद रखेंगे? बिल्कुल रोड बंद रहेगा, हमें दूसरा पुल पोर्शन भी बंद करेंगे, दोनों पोर्शन बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, ये नहीं चलेगा। अब या तो हम पे गोली चला दो, खत्म कर दो सबको, आप लोग बैठो आराम से, पानी भी आप पियो और हमें दो भी कुछ ना, पानी में हमसे दाड़ा मार के लो, दाड़ा मारो कि हम आपकी पे बंद करें। भाई पे है कहाँ, बंद करोगे कौन सी पे बंद करोगे, क्या दे रहे हो, बदा मजदूरी, मर्जी आई गरीब की थाली खाली में मर्जी से कुछ डाल दिया, मर्जी आई तो बोला निकाल देंगे, भाई निकालो, हम कहते निकालो, आप में हिम्मत है निकाल के दिखाओ, हमारा 550 करोड़ पे पेंडिंग है, ये कौन सी सरकार है, डेडवुड लोगों को आ जाता, दिसंबर की वेजेस आज तक रिलीज नहीं हुई, जनवरी खत्म होने वाला है, और एक सबसे बड़ा एक जिसको कह लो एक ऐसा जिसको कह लो गोलमाल किया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तो हमने 18 अप्रैल को प्रोटेस्ट किया, तो आपके डेव काम साहब, राघव लंगर साहब से हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा सरकार आपके थोड़े पैसे बढ़ा देगी और 23 को हमारे 75 रुपये बढ़ाए गए, 75 रुपये किससे बढ़ाए गए, जो 225 के हिसाब से हमारा पैसा आया उसमें से दिए गए, 8 महीने से कागजी कार्रवाई हो रही है लेकिन पैसा नहीं दे रहे, ये 8 महीनों से आपको तनख्वाह ये वेजेस नहीं मिले, नहीं वेजेस मिल रही है, हमारे पैसा जो था एक पैसा पूरी साल का आता है उसी पैसे को उठाया 300 रुपये दिहाड़ी कर दी, 225 से 300 कर दी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा रिलीज नहीं किया, और वो दिसंबर में नवंबर में खत्म हो गया, दिसंबर की वेजेस नहीं, जनवरी की नहीं, फरवरी की, मार्च की नहीं, अब परेशानी है, यानी 4 महीने हो गए वेजेस नहीं मिले आपको, सर 4 महीने की वेजेस शॉर्ट हो गई, अगर मान लो 140 करोड़ में साल का लगता है वो दे दिया, मैं समझ गया, वो नवंबर में खत्म हो गया, अब दिसंबर और जनवरी की वेजेस अभी तक आपको नहीं मिली, अभी पैसा भी रिलीज नहीं हुआ, पैसा है ही नहीं तो रिलीज कहाँ से, मैं यही कह रहा हूँ, कौन से ब्यूरो कह रहे हैं, ये कौन से दूसरों को डेडवुड कहते हैं, ये कौन से लोग टॉप पे बैठे हैं कि सिर्फ कलम से लोगों की गर्दन काट रही है, तो आपने सुन लिया कलम से लोगों की गर्दन काटनी है, ये PHE के डेलीवेजर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में ये लोग डोडा, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, इन सारे इलाकों से यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पलामवाला से आए। पलामवाला से आप बॉर्डर पे रहते हो? बॉर्डर पे। कब से PHE में काम कर रहे हो? 18 साल से PHE में काम कर रहे हैं। तनख्वाह को कब से आपको दिहाड़ी नहीं मिली, कितना टाइम हो गया? नहीं अभी तो 1 महीने की नहीं मिली, ऐसे तो नवंबर की मिली है, 1 महीने की नहीं मिली है फिलहाल, दिसंबर और जनवरी की नहीं मिली। तो आपने सुन लिया दिसंबर और जनवरी की वेजेस अभी तक नहीं मिली है, और पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे से जो डोगरा चौक को इन्हें ब्लॉक कर दिया है और बसें आई हुई हैं वो रुकी हुई हैं, प्रशासन और पुलिस के लोग यहां पर मौजूद हैं, और डेली वेजों का साफ तौर पर यह कहना है जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं।